इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वैम्पायर डायरीज के सीजन 1 के एपिसोड 7 की। एपिसोड की शुरुआत होती है जहां हमें देखने को मिलता है स्टीफन और डेमन विक्की के साथ अपने घर में होते हैं। वहीं हम देखते हैं जेरेमी कॉलेज जाने से मना कर देता है और कहता है कि वो पुलिस के साथ मिल करके विक्की को ढूंढेगा। वहीं हम देखते हैं कि स्टीफन विक्की से कहता है कि उसे अपनी थर्स्ट पर कंट्रोल करना होगा और उसे एनिमल्स का ब्लड पीना होगा और ह्यूमंस का ब्लड देख करके उसे खुद को कंट्रोल करना सीखना होगा। वहीं डेमन विक्की से कहता है कि तुम एनिमल्स को छोड़ के ह्यूमंस का शिकार करो और उनका ब्लड पीने के बाद उनकी याददाश्त मिटा दो। तभी हम देखते हैं एलिना वहां पहुंच जाती है और स्टीफन से विक्की की हालत के बारे में पूछती है। स्टीफन उसे बताता है कि उसे विक्की की हालत में सुधार लाने में थोड़ा सा समय लगेगा और उसे विक्की को काफी सारी नई चीजें और इस नए माहौल में ढालना सिखाना होगा। स्टीफन एलिना को बताता है कि शायद से विक्की ह्यूमन ब्लड की एडिक्ट हो चुकी है और उसे वो एडिक्शन छुड़ाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं वानी और उसकी दादी को। पूरा शहर वानी की दादी को एक विच के रूप में जानता है, लेकिन उसकी दादी उससे कहती है ये सारी मनगढ़ंत कहानियां हैं और किसी को भी सच में नहीं पता है कि वो एक विच है। वानी अपनी दादी से विचेस के बारे में काफी सारी जानकारी लेने लगी है और उनसे हमेशा विचेस के बारे में ही बात करती है। दूसरी तरफ हमें देखने को मिलता है एक रेस्टोरेंट में मिस्टर एंड मिसेस लॉकवुड आपस में बात कर रहे होते हैं, जहां वो बात करते हैं कि ग्लेबर डिवाइस चोरी हो चुका है और कोई नहीं जानता कि अब वो वॉच कहां पर है। मिस्टर लॉकवुड कहते हैं कि लोगन किसी भी काम का नहीं था और उसकी वजह से हमें इतनी परेशानी देखनी पड़ रही है। वहीं हम देखते हैं कि उनसे थोड़ा दूरी पर एक टेबल पर बैठकर डेमन उन सबकी ये सारी बातें सुन रहा था और उन्हें इस चीज का जरा सा भी अंदाजा नहीं था। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि विक्की डेमन और स्टीफन के घर से भाग चुकी होती है और वो सीधे अपने भाई मैट से मिलती है जाकर के। वो मैट से कहती है कि वो आज रात की पार्टी में जाएगी और वहीं वो अपने फ्रेंड जेरेमी को मैसेज करती है और उससे कहती है कि वो उसको आज रात की हैलोवीन पार्टी में जो कि कॉलेज में हो रही है वहां वो उसको इन्वाइट करना चाहती है। ये इनविटेशन देखते ही जेरेमी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि वो काफी दिनों बाद विक्की से मिलने वाला होता है। जेरेमी पार्टी के लिए तैयार हो जाता है। सीन चेंज होता है और हमें दिखती है शाम की पार्टी जहां पर मिस लॉकवुड और डेमन आपस में बात कर रहे होते हैं। डेमन लॉकवुड से बात करके और उससे फ्लर्ट करके उसे फंसाने की कोशिश करता है। तभी डेमन उससे कहता है कि वो जानता है प्रोवेन के बारे में और बाकी सभी चीजों के बारे में। ये बात जैसे ही मिस लॉकवुड सुनती है वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और वो डेमन से कहती है कि तुम्हें इन सारी चीजों के बारे में कैसे पता। डेमन उनसे कहता है कि वो एक सेल्वाडोर है और हम लोग इन सारी चीजों में बहुत पहले से ही इन्वॉल्व थे, इसीलिए हम इन सारी चीजों के बारे में जानते हैं। विक्की पार्टी में पहुंचती है तभी स्टीफन उसे उस पार्टी में देख लेता है और उसे वहां से ले जाने के लिए उसके पास पहुंच जाता है। स्टीफन बहुत ज्यादा ट्राई करता है कि वो विक्की को उस पार्टी से निकाल ले, लेकिन विक्की वहां से गायब हो जाती है। विक्की अपने भाई मैट से मिलने चली जाती है जहां मैट उसे देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है। मैट उससे पूछता है कि उसे क्या हुआ था और वो कहां चली गई थी, लेकिन वो मैट को अभी कुछ ज्यादा जवाब नहीं देती है। लेकिन मैट ये देखकर खुश होता है कि विक्की अब ठीक है। विक्की वहां से निकलती है और सीधे जेरेमी से मिलती है। वो जेरेमी से कहती है कि तुम मेरे साथ चलो। विक्की जेरेमी को अपने साथ कॉलेज के बैकयार्ड में लेकर के जाती है और उसके साथ में बातें करने लगती है। बातें करते करते ही विक्की जेरेमी को किस कर लेती है और किस करते ही विक्की को जेरेमी की ब्लड की स्मेल आती है, जिसको स्मेल करते ही विक्की अपना कंट्रोल खोना शुरू कर देती है। विक्की बहुत ट्राई करती है खुद को कंट्रोल करने की, लेकिन वो एक वैम्पायर में ट्रांसफॉर्म होकर के जेरेमी को काटने ही वाली होती है। तभी एलिना उन्हें देख लेती है। एलिना जल्दी से वहां पहुंचती है और जेरेमी को विक्की से अलग करती है, लेकिन इसी बीच विक्की एलिना को पकड़ लेती है और एलिना के काट लेती है, जिससे एलिना को काफी चोट लग जाती है और वो इंजर्ड हो जाती है। ये सारी चीजें देखकर जेरेमी काफी ज्यादा घबरा जाता है और उसे बहुत ज्यादा डर लगने लगता है। वहीं एलिना की हालत खराब हो चुकी होती है और विक्की उसे काटकर उसका खून पीने की पूरी कोशिश करती है। विक्की एलिना को मारने ही वाली होती है तभी स्टीफन ये देख लेता है और वहां आते ही स्टीफन विक्की को पकड़ के उसे जान से मार देता है। ये चीज देखते ही एलिना बहुत ज्यादा घबरा जाती है, उसे बहुत डर लगने लगता है। वहीं दूसरी तरफ जेरेमी ये देखकर रोने लगता है। विक्की को मारने के बाद स्टीफन अपने भाई डेमन को कॉल करता है जो अंदर पार्टी में ही होता है। डेमन उसकी कॉल का आंसर करता है और सारी बातें सुनकर तुरंत बैकयार्ड में पहुंचता है। डेमन स्टीफन के पास पहुंच के विक्की की बॉडी को ठिकाने लगाने की कोशिश करता है। वहीं इन सारी चीजों को देख करके एलिना और जेरेमी हद से ज्यादा डर चुके होते हैं। एलिना जेरेमी से कहती है कि तुम स्टीफन के साथ घर चले जाओ और स्टीफन जेरेमी को लेकर घर चला जाता है। जेरेमी को घर भेजने के बाद एलिना डेमन से कहती है कि तुमने ऐसा क्यों किया, ये सब के जिम्मेदार तुम हो, तुम्हारी वजह से ही इतने सारे हादसे हुए और आज विक्की भी मारी गई। डेमन एलिना से कहता है कि तुम क्या बोल रही हो और तभी एलिना गुस्से में डेमन के एक थप्पड़ मार देती है, लेकिन जब उसे रियलाइज होता है कि ये एक वैम्पायर है एलिना और भी ज्यादा डर जाती है। डेमन एलिना से कहता है कि तुम्हारे कपड़ों पर और तुम्हारी बॉडी पर ब्लड लगा हुआ है और तुम जानती हो
मेरे सामने होते हुए ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। एलिना डर जाती है और वहां से भाग जाती है। वहीं डेमन विक्की की बॉडी को ठिकाने लगाने लगा है। विक्की की बॉडी को ठिकाने लगाकर डेमन वहां से चला जाता है और सीधे पहुंचता है जाकर वानी के पास। के पास पहुंचकर डेमन देखता है कि वानी का क्रिस्टल जो कि कैरोलिन चुराकर भाग गई थी, वो क्रिस्टल कैरोलिन ने वानी को दे दिया है और वानी ने उसे अपने विच कॉस्ट्यूम का हिस्सा बनाकर उसे पहन रखा है। डेमन वानी से वो क्रिस्टल मांगता है लेकिन वानी मना कर देती है। डेमन जबरदस्ती करने की कोशिश करता है और जैसे ही वो क्रिस्टल को टच करता है डेमन का हाथ जल जाता है। ये देखकर वानी डर जाती है और वहां से भाग जाती है। वानी वहां से भागकर सीधे अपनी दादी के पास जाती है और दादी को वो नेकलेस दिखाते हुए कहती है कि दादी बताओ मुझे देखकर ये नेकलेस क्या है और इसकी वजह से एक आदमी मेरे पीछे क्यों पड़ा हुआ है। उसकी दादी वो नेकलेस जैसे ही देती है, वो क्रिस्टल देखते ही उसकी दादी शॉक्ड हो जाती है, साथ में वो खुश भी हो जाती है। उसकी दादी वानी को एक बुक देती है, उस बुक में उस क्रिस्टल की फोटो बनी होती है और फिर वानी की दादी उसको बताती है कि ये क्रिस्टल उनकी ग्रैंड मदर की ग्रैंड मदर पहना करती। उसकी दादी उससे कहती है कि अगर ये नेकलेस उसे मिला है तो ये उसको किसी को भी देने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये उसकी ही विरासत का हिस्सा है और ये उसको ही मिलना चाहिए था। वानी ये सुनकर काफी खुश हो जाती है। अगले ही सीन में हम देखते हैं जहाँ जेरेमी को लेकर एलिना अपने घर पहुंच चुकी होती है और जेरेमी के पास जाकर एलिना जैसे ही उसकी हालत देखती है, जेरेमी काफी दुखी डरा हुआ और रो रहा होता है। जेरेमी की ये हालत देखकर एलिना काफी ज्यादा डर जाती है। एलिना अपने भाई की हालत देखकर बहुत ज्यादा परेशान होती है और उसे इस बात का डर होता है कि जैसे उसके पेरेंट्स की डेथ की वजह से उसका भाई डिप्रेशन में चला गया था, कहीं ऐसा ही फिर से ना हो। एलिना स्टीफन से रिक्वेस्ट करती है कि वो जेरेमी की मेमोरी को इरेज कर दे जिसमें वो विक्की से मिला था, लेकिन स्टीफन उससे कहता है कि वो ह्यूमन ब्लड को कंज्यूम नहीं करता है, इसी वजह से वो इतना पावरफुल तो नहीं है कि वो किसी की मेमोरीज को पूरी तरह से इरेज कर सके। लेकिन तभी डेमन बोलता है कि वो ये चीज आसानी से कर सकता है। एलिना उसे परमिशन देती है और डेमन जेरेमी के माइंड से विक्की की सारी मेमोरीज को इरेज कर देता है और उन दोनों की सच्चाई के बारे में भी जो मेमोरीज जेरेमी के अंदर थी उन सभी को इरेज कर देता है। तभी ये काम होने के बाद स्टीफन और डेमन अपने घर वापस चले जाते हैं और एलिना अपने भाई जेरेमी को देखकर काफी खुश होती है और वो सोचती है कि अब उसे सफर नहीं करना पड़ेगा। वहीं विक्की के साथ जो हुआ उन सबको सोच सोच कर एलिना अभी भी डरी हुई होती। और इसी के साथ वैम्पायर डायरीज के सीजन 1 का एपिसोड 7 खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को